4 जुलाई की सुबह आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की समाधि की सूचना ने पूरे जैन समाज को झकझोर के रख दिया। पूरे समाज पर दुखों के बादल गहरा गए। भक्त बिलखने लगे और शिष्य बस नमाखों से अपने गुरुवर को याद करते दिखे। इस क्रम में ही उद्गाव में विराजमान चर्य शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज भी भावुक होने से खुद को ना रोक पाए और अवरुद्ध गले से भक्तों को सांत्वना दी। गला अवरुद्ध था, आंखों से रह रहकर आंसू बह रहे थे और शब्द भी ये मानने को तैयार ना थे कि गुरुवर हमारे बीच ना रहे। कुछ ऐसा ही भाव था आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का। गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की सूचना सूरज की किरणों से पहले ही जन जन तक पहुंच चुकी थी। लोगों को सांत्वना देने और ढांढस बंधाने के लिए गढ़ाचार्य श्री के प्रभावक शिष्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने रूंधे गले से गुरुवर को विनयांजलि दी और कहा कि सत्य को कोई नहीं डाल सकता। आस्थावश हमारी आंखों में आंसू हैं, लेकिन हमें संभालना होगा। हम सत्य को टाल नहीं सकते, यद्यपि अनुराग बस हर जीव के मस्तिष्क में आस्था के नियोग से आपकी आंखों में अश्रु होंगे, लेकिन उन्हें संभालना है। आगे आचार्य श्री ने कहा कि आचार्य श्री गुरुवर पहले से सव्यवस्थित करके गए हैं और ये कहते कहते आचार्य श्री का गला रुंध गया। आचार्य श्री अपने जीवन में सबको व्यवस्थित करके गए, और अपने जीवन में ही ऐसा विकल्प भविष्य में न हो कि कोई पदों के राग में विकल्प खड़े करे। आचार्य श्री बहुत बड़े ज्योतिष थे, शिष्यों में कोई विकल्प ना आए इसीलिए उन्होंने पहले अपने सामने 9 आचार्य बना दिए। वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, न्यायिक थे, सिद्धांत शास्त्री, चारों अनुयोगों के प्रकांड ज्ञाता और उनको बहुत अच्छे से मंत्र शास्त्र भी आते थे। इस बात को उन्होंने समझ लिया था कि श्रवण संस्कृति जिन शासन स्नात जयवंत रहे, इसलिए उन्होंने अपने सामने ही 9 आचार्य बनाए, जिनमें वर्तमान में मैं स्वयं हूँ, मुनि विशेष सागर जी, आचार्य व्यास सागर जी, आचार्य विनिश्चय सागर जी, आचार्य विमर्श सागर जी, विभव आचार्य विभव सागर जी, आचार्य विमर्श सागर जी, आचार्य ब्रह्म सागर जी, इन आचार्यों को आचार्य पद आचार्य श्री पूर्व में सौंप चुके हैं, इसलिए देश में किसी प्रकार का एक विकल्प उठने वाला नहीं है कि किसको पद दिया जाए। आचार्य महाराज सबको सौंप के गए हैं। मंगल प्रवचन के क्रम में एक क्षण वो भी आया जब आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज फफक कर रो पड़े और फिर रुंधे गले से ही आचार्य श्री के निर्णयों और ज्ञान को व्याख्यायित किया। स्वयं पथरिया के सम्मेलन में आचार्य महाराज ने गर्धर प्रवर्तक ईश्वर निरापक जो मूलाचार में 5 पदों की व्यवस्था है, उन्होंने 5वां पद स्थापित किए और जितनी माता जी हैं विशाश्री विभाश्री बिंदश्री विज्ञाश्री विशिष्ट श्री
इन सबको पूर्व में उच्चम गढ़ने पर देखे गए हैं। इसलिए संघ किंचित भी कोई विकल्प नहीं है। साथ ही आचार्य श्री ने ये भी घोषणा की, संघ के गढ़धर आचार्य श्री विवर्धन सागर जी महाराज अब ये संघ संभालेंगे, बाकी पूरा संघ गुरुवर की आज्ञा का सदैव पालन करेंगे। वर्तमान में संघ में जो मौजूद हैं गढ़धर विवर्धन सागर जी हैं, वही संघ संभालेंगे इस समय। बाकी के हम लोग पुरुषी आचार हैं, कोई विकल्प हम लोग नहीं है। जो भी होगा हमारे सारे आचरण निर्णय स्वयं कर लेंगे। बाकी के वर्तमान किस्ती में गढ़धर जो है विवर्धन सागर जी संघ में ज्येष्ठ हुआ और भी सागर सहयोग करेंगे उनका। समाधि आचार्य श्री द्वारा किए गए उपाध्याय पद के विभाजन और समस्त श्रमणों को दी गई शिक्षा का बखान भी चरिया शिरोमणि ने किया। उन्होंने जो उपाध्याय पद भी सौंपे हैं विश्व सागर विरंजन विभंजन विकसंत और विनिश्चय, ये सब उपाध्याय पद सौंपे गए हैं। आगमो पर संस्कृत प्राकृत ब्रह टीका करके हुए हैं। उन्होंने श्रुत के लिए अपना जीवन सौंपा और अपने प्रत्येक श्रमण को ज्ञानी बनाया है। शिष्य उपशिष्य सभी उनके विद्वान हैं और शिष्य उपशिष्य बना करके इस भारत भूमि के लिए वो 500 श्रमण देके गए हैं श्रमणिया। इस पूरी देशना के दौरान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज कई बार अपने गुरुवर को याद कर फफक कर रो पड़े और उस दुखी भावना के साथ स्वयं और भक्तों को धैर्य रखने की प्रेरणा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने दी। जैन फोकस के लिए उदगांव महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।